नारुतो और बोरुतो फ्रेंचाइज में निंजा आइस टेक्निक सबसे ज्यादा चाहने वाली और पावरफुल पावर्स में से एक है और नारुतो में इन्हें डोजुत्सु के नाम से जाना जाता है। ये पावरफुल निंजा एबिलिटीज होती हैं जो आंखों का यूज करके काम करती है और इनका कनेक्शन कुछ खास जेनेटिक ट्रेट से होता है जिसे केके गेंकाई कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सास्के उचिहा और उसका यूनिक शारिंगन। और जैसे जैसे फ्रेंचाइज बढ़ती गई नए नए आई बेस्ड मूव्स इंट्रोड्यूस होते गए। चाहे ये सारी टेक्निक्स नारुतो को पावरफुल ओसुसुकी क्लैन के ब्लडलाइन से ही क्यों ना मिली हो, डोजुत्सु की अपनी अलग एबिलिटी है और ये सिर्फ कुछ खास क्लैंस या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही मिल सकती हैं। लेकिन नारुतो की चेंजिंग दुनिया में कुछ कैरेक्टर्स ने इन आइस को अननेचुरल या वायलेंट तरीके से भी हासिल किया है, जैसे नारुतो का मेंटर काकाशी और डोजुत्सु टेक्निक्स में सबसे फेमस है बयाकुगान, रिनेगान और शारिंगन, जिन्हें दी थ्री ग्रेट डोजुत्सु कहा जाता है। बयाकुगान हयुगा क्लैन के मेंबर्स जैसे नेजी और हिनाटा के पास होता है। जब बयाकुगान का मेन पर्पस होता है यूजर को एक डीपर लेवल का विजन देना, इस टेक्निक से यूजर बहुत दूर तक देख सकता है और चक्रा को पिन पॉइंट कर सकता है और बैरियर्स के पार देख सकता है। बैटल में बयाकुगान से यूजर फास्ट मूविंग या छुपने की कोशिश करते हुए अपोनेंट्स को ट्रैक भी कर सकता है। हयुगा आई को एंटायरली व्हाइट कलर में डिपिक्ट किया जाता है और जब ये एक्टिवेट होती है तो आंखों पे स्टेन भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ मिक्स्ड ब्लड डिसेंडेंट्स जैसे बोरुतो की बहन हिमावारी नॉर्मल आंखों को बयाकुगान में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रखती है और शारिंगन के कंपैरिजन में बयाकुगान ज्यादा चक्रा विजिबिलिटी ऑफर करता है जो यूजर को क्लोन्स और उनके ओरिजिनल फॉर्म को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है और स्पेसिफिक चक्रा सिग्नेचर्स को पहचानने में भी हेल्प करता है। और नारुतो यूनिवर्स में सबसे फेमस निंजा आई टेक्निक है शारिंगन, जो सिर्फ उचिहास के लिए एक्सक्लूसिव है, लेकिन कहानी में कई और लोगों के पास या तो चोरी से या किसी और तरीके से पहुंच गया है। जैसे कि सास्के अपने शारिंगन का इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट के टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है और इल्यूजन और गेंजुत्सु को देख सकता है। साथ ही शारिंगन खुद भी एक पावरफुल इल्यूजन टूल है और उचिहा क्लैन के मेंबर्स को अपने शारिंगन आईज को जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर इवेंट की जरूरत होती है। जबकि कुछ नए एबिलिटीज बोरुतो में शारिंगन को थोड़ा वीक दिखाते हैं, पर ये अभी भी फ्रेंचाइज के सबसे पावरफुल डोजुत्सु में से एक है। और नारुतो में सारे डोजुत्सु आइस किसी न किसी खास क्लैन के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास अलग अलग पावर्स हैं, लेकिन जोगान टेक्निक सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। जोगान के असली पावर्स के बारे में अभी तक कुछ ज्यादा नहीं पता है और ये नारुतो के सबसे रहस्यमय डोजुत्सु में से एक है। लेकिन जोगान बोरुतो के पास है, इससे वो चक्रा डिटेक्ट कर सकता है कुछ कुछ बयाकुगान की तरह, लेकिन इससे वो इंटर डायमेंशनल रिफ्ट्स को भी देख सकता है। बोरुतो इसे स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस की तरह भी यूज कर सकता है, जो उसे बैटल में डेंजर का पहले से ही अलर्ट दे सकता है, क्योंकि बोरुतो अभी इसे सीख रहा है। इसलिए चांसेस है कि जोगान में और भी कुछ पावर्स हो जो तब रिवील होंगी जब इस आई का असल ओरिजिन सामने आएगा। मांगेक्यू शारिंगन एक एडवांस फॉर्म है शारिंगन का, जो सिर्फ कुछ ही उचिहा क्लैन के लोग एक्टिवेट और मास्टर कर पाए हैं। ये पावरफुल आई टेक्निक तब मिलती है जब एक टैलेंटेड और ड्रिवन उचिहा जैसे कि सास्के अपने किसी करीबी की मौत को विटनेस करता है। इस टेक्निक के साथ नए पावरफुल एबिलिटीज एक्टिवेट हो जाते हैं और मांगेक्यू शारिंगन को हेवनली आइज दैट सी द ट्रूथ ऑफ ऑल क्रिएशन विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन कहा गया और इसके थ्रू अमातेरासु और सुसानो जैसी टेक्निक्स का एक्सेस मिलता है। साथ ही हर यूजर के लिए कुछ यूनिक जुत्सु भी अनलॉक होता है, जैसे ओबिटो के लिए कामुई और बोरुतो में सारादा का मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट करना शायद ये भी सजेस्ट करता है कि ये कुछ पावर्स जैसे ईडा का ओमनीपोटेंस को नलीफाई कर सकता है। लेकिन मांगेक्यू शारिंगन का एक्सेसिव यूज यूजर की नॉर्मल आईसाइट को हमेशा के लिए डैमेज भी कर सकता है। सिक्स पास ऑफ सेज के चक्रा को रिक्रिएट करके कोई भी रेनेगन की गोट लाइक पावर को हासिल कर सकता है। बाकी डोजुत्सु से अलग रेनेगन की एबिलिटीज हर यूजर के लिए डिफरेंट होती हैं। जैसे पेन रेनेगन का यूज मल्टीपल बॉडीज को कंट्रोल करने के लिए करता है, सास्के इसे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू यूज करता है और मादारा एक लिम्बो शैडो क्लोन क्रिएट कर सकता है अपने काम के लिए। और ये नारुतो की निंजाई टेक्निक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चक्रा और ओकुलर पावर को भी प्रोवाइड करती है, पर कुछ ऑब्स्टेकल्स जैसे स्मोक बॉम्ब्स के थ्रू नहीं देख सकती। और रेनेगन इतना पावरफुल है कि ये अपने यूजर को मार चुके लोगों को वापस लाने की एबिलिटी दे सकता है। हो सकता है कि बोरुतो में और नए रेनेगन की एबिलिटीज रिवील हो अगर सास्के अपना रेनेगन रिकवर करता है तो। द लास्ट नारुतो दी मूवी में टेंसेगन का इंट्रोडक्शन हुआ था, जो ओसुसुकी चक्रा और हयुगा बयाकुगान का कॉम्बिनेशन है और इसे टोनेरी सुसुकी ने मैनिफेस्ट किया था। और टोनेरी के हिसाब से टेंसेगन इतना पावरफुल है कि ये मून को अर्थ से टकरा सकता है और इसी के साथ नए ऑर्गेनिज्म भी क्रिएट कर सकता है। और इसका पावर तब दिखाया गया जब टोनेरी एक स्टोन वॉरियर को नारुतो के साथ बैटल के लिए एनिमेट करता है। और लाइफ और डेथ पर कंट्रोल के अलावा टेंसेगन टोनेरी को फ्लाई करने की एबिलिटी भी देता है और सेज ऑफ सिक्स पास के ट्रुथ सीकिंग बॉस को कंट्रोल करने की पावर भी। टेंटेस जुबी के पावर का इस्तेमाल करके मदर और कागुया जैसे पावरफुल बिल्डर्स अपने फोरहेड पर एक थर्ड आई खोल सकते हैं, जो रेनेगन
और शारिंगन के पावर्स को कंबाइन करके देता है। ये एक्सट्रीमली पावरफुल कॉम्बिनेशन नारुतो यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए इसके कुछ ही कैपेबिलिटीज के बारे में हमें पता है। रिने शारिंगन से एक वर्ल्ड वाइड गेंजुत्सु स्पेल कास्ट किया जा सकता है और ये डायमेंशंस के बीच ट्रैवल को भी फैसिलिट करता है। और बोरुटो में जो पावरफुल फॉर्म्स कैरेक्टर्स ने अचीव किए हैं उससे हमें उम्मीद है कि कोई और रिने शारिंगन यूजर सामने आएगा और इस डोजुत्सु के और भी सीक्रेट्स को रिवील करेगा। सीरीज में अब तक इंट्रोड्यूस किया गया लेटेस्ट डोजुत्सु है ईडा का सैनरीगन। सैनरीगन एक पावरफुल फॉर्म है जो ईडा को दुनिया में हो रही सभी इवेंट्स को देखने का मौका देता है। ईडा पास्ट इवेंट्स को भी देख सकती है, बस ये इवेंट्स उसके जन्म से पहले के नहीं होने चाहिए। सैनरीगन की एक बड़ी कमी ये है कि ईडा स्पिरिचुअल मेंटल प्लान्स में होने वाले इवेंट्स को नहीं देख सकती। इसी वजह से ईडा को तब तक नहीं पता चला था कि मोमोशिकी ने बोरुटो को कोबाकी के अटैक से कैसे बचाया, तब तक उसने दूसरे लोगों को इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना। और सैनरीगन के बारे में एक और खास बात यह है कि ये कोई निंजुत्सु नहीं है बल्कि ये एक शिंजुत्सु है। शिंजुत्सु वो ऑलमाइटी टेक्निक्स हैं जिन पर सभी निंजुत्सु बेस हैं। और ईडा को सैनरीगन तब मिला जब उसे शिबाई ओत्सुत्सुकी का डीएनए दिया गया जो ओत्सुत्सुकी में सबसे बड़ा गॉड माना जाता है, और ये सैनरीगन को दूसरे डोजुत्सु से काफी ऊपर लेवल का कर देता है। और अगर इसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं भी है तो भी ये नारुतो फ्रेंचाइज की मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स में से एक माना जा सकता है। वेल नोन निंजा आई टेक्निक्स के अलावा भी कुछ और डोजुत्सु हैं जो सिर्फ यूजर स्पेसिफिक एबिलिटीज के फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं और इनकी पावर्स भी यूनिक और मिस्टीरियस हैं। एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है इशिकी ओत्सुत्सुकी का अननेम्ड डोजुत्सु जो उसके ईरिश और प्यूपिल को येलो में ट्रांसफॉर्म कर देता है और एक ब्लैक व्हील लाइक पैटर्न के साथ स्पोक्स क्रिएट करता है। ये टेक्निक उसे किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को अपनी नजर में श्रिंक करने की एबिलिटी देता है। और एग्जाम्पल में कैसुरियो गान भी शामिल है जो सिर्फ चिनोइकी क्लैन के कुछ इंडिविजुअल्स में ही देखा गया है। और रान मारू का कैके गेंकाई भी जो उसकी आंखों को रेड ग्लो देता है और उसे पेनिट्रेटिव विजन और बयाकुगान को हिंडर करने की एबिलिटी देता है। देखो नारुतो फ्रेंचाइज में बहुत सारे अलग अलग आई टेक्निक है और कुछ टेक्निक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुरुआत से ही मांगेक्यू शारिंगन और रिनेगन की पावर ने इनके यूजर्स को फ्रेंचाइज के कुछ सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाया है। इसके आगे टेंसेगन की एबिलिटीज को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन टोनेरी ने नारुतो के पीक पावर पर होने के बावजूद उसके अगेंस्ट फाइट की थी और उसका कंपैरिजन डायरेक्टली मदरा के साथ किया गया था, तो ये भी काफी पावरफुल है। और इशिकी ओत्सुत्सुकी का डोजुत्सु भी एक ऐसी टेक्निक है जो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई है, लेकिन उसकी आइस की पावर ने इशिकी को नारुतो और सास्के को अकेले फाइट में ओवर पावर करने दिया, तो इशिकी का डोजुत्सु भी एक्सट्रीमली पावरफुल माना जाता है। ये सारी टेक्निक्स ओत्सुत्सुकी क्लैन से रिलेटेड है और ये देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि ये इतनी पावरफुल क्यों है। नारुतो में सबसे वीक डोजुत्सु के बारे में बात करें तो वो शारिंगन और बयाकुगान है। शारिंगन किसी भी तरह से वीक टेक्निक नहीं है और इसका रेगुलर वर्जन भी किसी को ऐसे इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस दे सकता है जो अदरवाइज मैच करना मुश्किल है, लेकिन रेगुलर शारिंगन में मांगेक्यू शारिंगन और दूसरे पावरफुल डोजुत्सु जैसे ओवर पावर्ड एबिलिटीज नहीं होती, इसलिए ये एक पावरफुल टेक्निक होते हुए भी बाकी के कुछ टेक्निक से वीक दिखाई देती है। बयाकुगान भी सिमिलर रीजंस की वजह से वीक रैंक करता है। बयाकुगान के टेक्निक्स पावरफुल तो हैं लेकिन उसकी एबिलिटीज बेसिक हैं। अगर आप उसका कंपैरिजन शारिंगन से करें तो, और इसके इवॉल्व फॉर्म टेंसेगन की एबिलिटीज भी इसमें नहीं है। बयाकुगान को शारिंगन और रिनेगन के साथ तीन ग्रेट डोजुत्सु में गिना जाता है, लेकिन पावर में ये उनके कुछ और डोजुत्सु के मुकाबले नोटिसिबली कमजोर है, इसलिए इसे इतना पावरफुल नहीं माना जा सकता जितनी इसकी रेपुटेशन है। ओरिजिनल नारुतो सीरीज तो अब एंड हो गई है, लेकिन बोरुतो ने नए पावरफुल डोजुत्सु इंट्रोड्यूस किए हैं और आने वाले टाइम में और नए इंट्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। और चाहे नए एबिलिटीज कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, नारुतो के ओरिजिनल टेक्निक्स जैसे शारिंगन और बयाकुगान हमेशा फ्रेंचाइज और शैनोन मांगा के एक आइकॉनिक पार्ट के रूप में बने रहेंगे। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड गुड बाय।